हेलो एवरीवन, मैं अन्नपूर्णा, क्लासेस हिंदी सेकंड का चैप्टर फर्स्ट वर्ण विचार। आज हम सब लोग वर्ण के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके दूसरे खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण उन मूल ध्वनियों को कहा जाता है जिनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला, तो इसे हिंदी में इसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मुख्यतः चार वर्णों में रखा गया। वर्ण हम जान चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ण के भाग कितने होते हैं, मुख्यतः कितने भाग होते हैं, ये जानेंगे। वर्ण के मुख्यतः चार भाग होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह वर्ण और गृहीत वर्ण। स्वर वर्ण आ से लेकर के औ तक जितने भी वर्ण हैं, आ ई ऊ तक, ये स्वर वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण का से लेकर के हा तक होते हैं, का खा गा घा गा से लेकर के हा तक। अयोगवाह वर्ण, इसमें अनुस्वार अन की बिंदु और विसर्ग अह की बिंदु को अयोगवाह कहते हैं। गृहित और विकसित वर्ण, गृहित वर्ण किसे कहते हैं? गृहित वर्ण दूसरी और भाषाओं से आए हुए वर्णों को गृहित वर्ण कहते हैं हिंदी में। जैसे अरबी फारसी से आए हुए वर्ण हैं क ख ग ज फ, ये गृहित वर्ण हैं। और विकसित वर्ण हैं हिंदी भाषा में, खुद वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ही ड़ा ओढ़ा, ये दो विकसित वर्ण हैं। डा और ढा से विकसित हुए हैं ये। स्वर वर्ण बनावट की दृष्टि से स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण समझ चुके हैं हम कि वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्णों के भाग, स्वर वर्ण को हम कितने भागों में बांटते हैं? स्वर वर्णों को मूल तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर आ ई ऊ और री, ये मुख्यतः चार ही वर्ण हैं जो मूल हैं और इनसे ही दीर्घ स्वर बने हुए हैं। आ आ आ को प्लस किया तो बड़ा आ बन गया, ई ई को प्लस किया तो बड़ी ई बन गई, और ऊ ऊ को प्लस किया तो बड़ा ऊ बन गया। इस तरह से मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वर बन गए। तो मूल स्वर यानी हस्र स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि ये मूल स्वरों से ही बने हुए हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी स्वरों से ही बनकर बने हैं। जैसे आ और ई को प्लस करने पर ए बना, और आ और ऊ को प्लस करने पर ओ बना, तो इस तरह ए और ए बन गए। इन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम स्वरों को बनावट की दृष्टि से समझ चुके हैं कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं। अब उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में स्वरों को कितने भेद हैं? उच्चारण अंदर हम जो उच्चारित करते हैं वर्णों को, स्वर को, तो वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, इस आधार पर भी इसके भाग किए गए हैं। इस तरह से इसके छः भाग किए गए हैं। आ आ को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं, ये कंठ से इसकी आवाज़ निकलती है। ई ई तालब ध्वनियाँ हैं। री मूर्धन्य ध्वनि। ऊ ऊ ओष्ठ ध्वनि है, इसको बोलने में ओष्ठ से ध्वनि बाधित होकर बाहर आती है। ए ए कंठ तालब, यानी कंठ और तालु से मिलकर के ये ध्वनियाँ निकलती हैं। ओ औ कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ के मिश्रण से ये ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि को छः भागों में बांटा गया है। छः जगह से स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए ये उच्चारण स्थान के आधार पर छः भाग हो गए। अब हम जानेंगे उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण में कितना समय लगता है, इस आधार पर भी हम स्वर को भाग विभाजित किया है। एकमात्रिक स्वर और द्विमात्रिक, दो वर्गों में बांटा गया। एकमात्रिक समय में, एकमात्रिक स्वर में ये मूल स्वर होते हैं और इनमें बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसमें एकमात्रिक स्वर कहते हैं, यानी एक मात्रा का समय इसमें लगता है लगभग लगभग, इसलिए इन्हें हस्र स्वर भी कहते हैं।
द्विमात्रिक स्वर मूल स्वरों को छोड़ सभी स्वर द्विमात्रिक होते हैं, यानी आ ई उ और री को छोड़ करके जितने भी स्वर होते हैं बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए ऐ ओ औ ये सब द्विमात्रिक स्वर हैं, इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? निरानुनासिक। अनुनासिक स्वर होते हैं जिनमें बिंदी अन के चंद की बिंदी रखे होते हैं, कि जिनकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निरानुनासिक जो सिर्फ मुंह से उच्चारित होते हैं, जैसे आ आ ई ई, और अनुनासिक होते हैं अन अन आ, इस तरह से जिनकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसलिए अनुनासिक होते हैं। जिनकी आवाज़ सिर्फ मुंह से निकलती है उनको निरानुनासिक स्वर कहते हैं। अब हम स्वर के बारे में समझ चुके हैं। स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर छह भागों में बांटे गए हैं। उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, और उच्चारण बनावट की दृष्टि से स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। अब व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से ही बोलते हैं जिन वर्णों को, इसलिए व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख, ये क ख से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्णों को भी विभाजित किया गया है, इनको तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तीन भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन क्या है? जिनकी आवाज़ कंठ तालु जीभ मूर्धा आदि से स्पर्श करती है, ये का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या र ल व, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच में अवस्थित होते हैं, यानी न ये ऊष्म व्यंजन है न स्पर्श व्यंजन है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में मुँह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारित करके देखिए, सा शा सा हा, इसको उच्चारित करेंगे तो आपके मुँह से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि वर्ण व्यंजन वर्ण को तीन भाग हैं, कि तीन भाग हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब हम समझेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण यानी हम जो उच्चारित करते हैं व्यंजनों को क से लेकर के हा तक, तो इनके ये ध्वनियाँ कहाँ से हमारे मुंह से किस स्थान से निकलती हैं, इसलिए इन्हें ये समझेंगे कि ये किस स्थान से कौन किस व्यंजन की किस स्थान से वायु निकलती है बाहर, ध्वनि निकलती है बाहर। तो वही है क से लेकर के हा तक ये व्यंजन वर्ण हैं, और व्यंजन वर्ण की ध्वनि कहाँ से निकलती है इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, इस तरह से व्यंजन वर्णों को सात भागों में बांटा गया है। कंठ ध्वनियाँ, तालब ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ, दंत ध्वनियाँ, ओष्ठ ध्वनियाँ और अनुनासिक ध्वनियाँ, दंतोष्ठ ध्वनियाँ। कंठ ध्वनि यानी कावर के जितने भी वर्ण हैं, पांच वर्ण होते हैं कावर में, क ख ग घ ङ, ये पांच वर्ण होते हैं, ये कंठ से निकलते हैं, और इसके साथ हा भी, इसकी भी आवाज़ कंठ से निकलती है, इसलिए कंठ ध्वनियाँ हैं। चा छा जा झा इया और या और शा, ये तालब ध्वनियाँ हैं। टा ठ ड ढ अड़ा र और शा मूर्धन्य ध्वनि है। ता था दा ध न ल और शा दंत ध्वनियाँ हैं, इनकी आवाज़ दांत से स्पर्श करती हुई जीभ तब इनकी आवाज़ निकलती है। पा फा बा भा मा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, इनकी ध्वनि ओष्ठ से पादधातु के बाहर आती है। अंगा इया अड़ा न मा, ये अनुनासिक ध्वनि है। व दंतोष्ठ ध्वनि, दांत और ओष्ठ के मिश्रण से इसकी आवाज़ बाहर निकलती है, इसलिए इसे दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। अब हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को जाना, अब उच्चारण के आधार पर जानेंगे। उच्चारण स्थान जाना कि हमारे मुँह से किस स्थान से हवा बाधित होकर बाहर निकलती है, तो उसकी व्यंजन वर्ण की ध्वनि निकलती है। अब हम उसके आधार पर जानेंगे उच्चारण का आधार क्या है, उसमें कम वायु की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा वायु की जरूरत पड़ती है, या घर्षण करके हुई आवाज़ निकलती है या घर्षण नहीं करती है, ये जानेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को चार भागों में बांटा गया है। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन,
अघोष व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन कौन से व्यंजन हैं? अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम वायु लगती है, इसलिए इन्हें अल्पप्राण कम यानी कम वायु की जरूरत जिन वर्णों को उच्चारण करने में लगती है वही अल्पप्राण हैं। और प्रत्येक वर्ग का यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। इनके अलावा यंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा भी अल्पप्राण ध्वनियों में आते हैं। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक वायु की जरूरत पड़ती है, अधिक हवा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ख और घ ये महाप्राण व्यंजन है, यानी कि का वर्ग का ख और घ, चा वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, थ और ध, फ, भ, ये महाप्राण व्यंजन है। इनके अलावा ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा और हा, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन के ध्वनियों में के अंतर्गत आते हैं। अब घोष वर्ण क्या है? घोष वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख के भीतर यानी उच्चारण स्थान में कंपन होती है। वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवे, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष ध्वनि होती है, जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, इस तरह इनके उच्चारण के समय मुँह में कंपन होती है जहाँ से ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण जहाँ पे उच्चारण स्थान पे झंझट या कंपन नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, ता, था, पा, फ और शा, शा, हा, ये अघोष वर्ण हैं। हमने जाना अभी व्यंजन के बारे में कि व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहले तो तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है सात भागों में, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, अनदंतोष्ठ ध्वनि। फिर इनको उच्चारण के आधार पर चार भागों में बांटा गया, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष व्यंजन। ये हमें इस चैप्टर में इतना कुछ जान लिया है। थैंक यू।